नमस्ते, वंदे मातरम। सभी का वंदे मातरम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैथ्स के अंदर अपन साधारण ब्याज वाला पार्ट पढ़ रहे थे, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ तक अपन ने देखा था तो उसके आगे सॉल्व करते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप वहाँ पर पूछिएगा। आपको भी जो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं वो भी आज आप पूछना है आपको, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। प्रियाउल जाट जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। अनिल नाथ जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी। गुनगुन जी, नमस्ते सर। अंजू शर्मा, नमस्ते साहब, नमस्ते जी। अज्जू शर्मा जी, नमस्ते। चले शुरू करते हैं अपनी क्लास, जहां अपन ने लास्ट छोड़ा था। कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आया था मैं आपके लिए, वो भी आपको सॉल्व करना है। पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। रेखा पवार जी, नमस्ते सर, नमस्ते जी। वीडियो को साथ में लाइक भी करते जाइए। वैसे आपको पता है अभी कुछ असामाजिक तत्व आएंगे, जो अभी क्या करके जाएंगे वो आपको ही पता है। चले शुरू करें अपन। हाँ, क्वेश्चन भी आपको साथ में दिखता रहेगा, स्क्रीन पर आएगा आपके। तो पहले जहाँ आपको मैंने बताया था, जो जो टाइप मैंने आपको बता रखे थे वो सॉल्व करने हैं। 10-15 क्वेश्चन आप वो सॉल्व करोगे, फिर अपन नया टाइप जो बचा हुआ है वो लेकर के आएंगे। पूजा जी सेन, नमस्ते सर, नमस्ते जी। चलिए क्वेश्चन देखिए अपन। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है बताएगा, देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 का है। मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, बताएगा देखिए आंसर। आरिफ जी, नमस्ते सर, नमस्ते जी। आरिफ जी, हाँ जी। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखो जो आज नए आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप देरी रखें। ये जो मैंने कल ये बता दिया था तो पहले जो इन्होंने पढ़ लिया है वो आंसर देंगे, फिर इसको बाद में मैं सोलो कर भी बताऊंगा। आप भी प्रयास कीजिएगा, आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आपको मैं समझाऊंगा। 12.5 बता रहे हैं गुनगुन जी। गुनगुन जी के आंसर आ रहा है 12.5%। ऑप्शन ए आ रहा है, और कोई सॉल्व कर रहा तो बताएगा। देखिए 12.5% आ रहा है, और 12.5% सही भी है। 12.5% सही है। किसी को समझना, यदि समझना है तो कमेंट में लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। जिसको भी समझना है बता दीजिए कि सॉल्व करो सर, सॉल्व कर लेंगे। और यदि नहीं समझना है तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ 12.5 सही आंसर है। ठीक है सर, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए देखिए। चलिए बताओ सर, पूजा जी कह रहे हाँ सर, हाँ सर समझा दिया दीजिए एक बार। ओके तो चलिए मैं समझा देता हूँ। जिनके आंसर आ गया है वो सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जिनको पहला नहीं आया है वो मैं पहला समझा देता हूँ। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज का प्रतिशत दर याद करो, ये आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन समझिए जिनको आंसर नहीं आया था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी धन पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज जो है वो दिया था मूलधन का 25/16 है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से उसका साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों को निरूपित करने वाली संख्या ही बराबर है, यानी जितने परसेंट दर है उतना ही परसेंट समय है। दर एक्स परसेंट है तो समय भी आपका एक्स वर्ष है। तो फिर आपसे जो पूछा था, क्या पूछा था, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर मूलधन अपने कल देखा था, मूलधन 16 रुपये ले लीजिए। मूलधन 16 है तो ब्याज कितना आ जाएगा सर, ब्याज आ जाएगा 25 रुपये। ब्याज आ जाएगा 25 रुपये। तो लिखा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे व 100 बराबर ब्याज कितना है, 25 है। ओके चलिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2500 बटे व 16। स्क्वायर हटाइए रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 4 और काट देते हैं 25/2, यानी 12 सही 1/2% दर पूछी तो और समय पूछा तो आपका एक्स वर्ष हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, अब आ गया होगा समझ में, क्लियर है ये वाला। आपका मोबाइल दे देना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोला है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की सात बटे व 6 गुनी हो जाती है। तो आपसे जो पूछा है ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। दूसरे का आंसर बताइएगा। देखिए गुनगुन जी के जो आंसर आया था, गुनगुन जी के सेकंड वाले में ए आया था। आरिफ जी डायर कह रहे हैं सभी शेयर करें लाइक करें ताकि स्टूडेंट बढ़ सकते हैं जी। बिल्कुल, दूसरी क्लास भी चल रही है, उधर से भी आने वाले हैं, अभी आएंगे बच्चे, और आप शेयर कर दीजिए। हाँ जी चलिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू आरिफ जी। दूसरा वाला भी समझाना है क्या, दूसरा वाला भी समझ लीजिए। सेकंड वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोई धनराशि जो आपको दिया था सेकंड वाला, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की
सात बटे व छः हो जाती है। देखो अब यहाँ पर जो आपको दिया था साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष में स्वयं की सात बटे व छः हो जाती है, यानी यहाँ पर आपको ब्याज नहीं बोला कि साधारण ब्याज मूलधन का सात बटे व छः, ऐसा नहीं दिया था। यहाँ पर जो सात रुपये है वो क्या होगा सर, यहाँ पर सात रुपये मिश्र धन होगा, मूलधन कितना होगा तो मूलधन होगा सर छः रुपये। समय आपको दे रखा तीन वर्ष, तीन वर्ष आपको समय दे रखा है। अब दर आपसे पूछी थी, दर बराबर ब्याज इंटू सो बटेवा मूलधन हो जाएगा छः और ये तीन अठारह, ये काटेंगे अपन, दो से काट लेते तीन, दो से काटे पचास, पचास बटेवा नौ, यानी पाँच से ही पाँच बटेवा नौ परसेंट। पहले स्क्रीन बड़ी नहीं की थी, भूल गया था, आप वापस समझ लीजिए। देखो मूल मिश्रधन मूलधन मैंने छः रुपये माना तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सात रुपये। फिर सर पहले तो उसको आप ब्याज माना था, बड़ी स्क्रीन करो, भूल गया था मैं, कोई बात नहीं, आप वापस समझा रहा हूँ मैं कि मूलधन यदि छः रुपया माना तो मिश्रधन कितना हो गया सात रुपया। यहाँ पर बोला था कि वो धन तीन वर्ष में सात बटे व छः हो जाएगा, इसका मतलब सात बटे व छः जो होगा वो क्या होगा, वो आपका मिश्रधन होगा सर, मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन हो गया सात रुपये, मूलधन हो गया छः और समय हो गया आपके तीन वर्ष, तो दर ज्ञात करनी है। ब्याज कितना हो गया एक रुपया, ब्याज इंटू सो बटेवा मूलधन इंटू समय पाँच से पाँच बटेवा नौ परसेंट, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें, चले आ गया आपके स्क्रीन पर, बंद हो गया आपको लोग, हो गई क्लास तो आपकी, देर देर चलिए। हाँ जी, किरण जी नमस्ते सर, लेट हो गए, कोई बात नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक धनराशि पाँच वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथा ही है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। साइंस की क्लास में थे, कोई बात नहीं, पाँच परसेंट बता रहे हैं गुनगुन जी, गुनगुन जी के पाँच परसेंट आ रहा है, रेखा जी के पाँच परसेंट आ रहा है, सॉल्व करना है। चलिए समझा देता हूँ, समझो क्वेश्चन जो आपको दिया था, आपको इस सीधा सीधा दिया था कि पाँच वर्ष में जो ब्याज है एक चौथा ही हो जाएगा, यानी मूलधन चार रुपया है तो ब्याज कितना होगा एक रुपया, एक चौथा ही का मतलब ब्याज एक बटे व चार हो जाएगा। यदि एक रुपया मूलधन है, एक रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना होगा एक बटे व चार होगा सर। अरे तो अपन मूलधन ही चार रुपये ले लेते हैं, मूलधन ही चार ले लो, तो चार का एक बटे व चार कितना होगा एक रुपया होगा, तो ब्याज हो गया यहाँ पर सर एक रुपया। अब और क्या दिया आपको, और समय दिया सर, समय कितना दिया पाँच वर्ष दिया सर, ब्याज पूछ रहा, सॉरी दर पूछ रहा है ना, दर पूछ रहा है, दर का ब्याज इंटू सो मूलधन कितना है चार सर, और समय कितना पाँच, बीस का इसमें भाग दे दो पाँच बार जाएगा पाँच परसेंट,
माया कुमारी चौहान जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी, वेलकम माया कुमार जी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। चौथे का आंसर बताएगा, देखे चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? निकालो देखिए आंसर। कोई धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। गुनगुन जी के 6% आए हैं। चलिए आप सोल्व करते हो, मैं यहाँ बता देता हूँ और मिला लेना कहाँ गलती हुई। सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। रेखा जी के 6% आया है और सुनीता जी के डी ऑप्शन क्या है, 8%, सॉरी 6% ही है। चलिए सॉल्व करें। यस सर, डी में 9/25 वाले ही है ना, 8% 6% डी वाले में तो 6% आ रहा है। हाँ, मूलधन यहाँ पे 25 रुपया ले लिया तो ब्याज कितना हो जाएगा, 9 रुपये, ब्याज इंटू 100, मूलधन कितना 25 और समय कितना 6 वर्ष, 25 चौक 100, 2 से काटे 2 और 3 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6%। मैं तो लाइव स्क्रीन बड़ी करना भूल गया, वापस देख लीजिए। नौ इंटू 100, 9 रुपये ब्याज है, 9 × 100/25 × 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निकालिए देखिए आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अर्थ है मार बंद करवा दियो, फोन आ रहे सर को। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। बार बार भूल जाते हो सर, स्क्रीन बड़ी करना। हर अब नहीं भूलूंगा आरिफ जी, अब की बार पूरा ध्यान रखो। लैपटॉप काम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा दे। हाँ सॉल्व करें, चलिए सॉल्व कर देते हैं। या खच जाए इन थोड़ी ऊपर रख दो, या तो या अपन बाणू रही बात हो इसे वो कोई रहो रटी मेल दे और तो देख लिया मैं, या तो कोई रहो बाणू फिर इमा थोड़ी की लूज रहे ना, नेटवर्क टूट जाए।
बानो रावण है, बानो है सैनी रावण। आपके सारे ले मैं तो इमु यहाँ देखू सारी हो हाँ सोलो करें चलिए समझा देता हूं मैं। कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का एक बटेवा छह है, यानी मूलधन छह रुपया है तो ब्याज कितना होगा एक रुपया, और वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। मूलधन छह, मूलधन इंटू दर इंटू समय। रुक भाई रुक तो रुक। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा सो बराबर हो जाएगा सर एक रुपया। तो एक से दर की संख्या के बराबर ही दे रखा है ना जी सर, बराबर ही दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक रह गई है ऐसा है, एक काम करो छः की जगह नौ लिख दीजिए। जहाँ क्वेश्चन में एक बटेवा छः लिखा हुआ है ना, उसको आप एक बटेवा नौ पढ़ लीजिए। या तो टाइपिंग में मिस्टेक रख दी दिखते मैडम जी ने, आप उसको एक बटेवा नौ पढ़ लीजिए, और होना भी एक बटेवा नौ ही चाहिए। एक बटेवा छः तो आंसर आएगा ही नहीं। एक बटेवा नौ कर लीजिए वहां पर। फिर बताएगा देखिए आंसर कितना आता है, छह की जगह नौ है। हाँ छह की जगह पर नौ है। फिर ए ऑप्शन होगा या नौ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा फिर सौ बटेवा नौ। तो एक्स बराबर हो जाएगा दस बटेवा तीन, तीन से ही एक बटेवा तीन, तीन से ही एक बटेवा तीन परसेंट आ जाएगा। तो वहां पर मिस्टेक रह गई थी, कोई बात नहीं, आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए तीन से एक बटेवा तीन परसेंट, हाँ जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। किसी राशि पर छह से एक बटेवा चार वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का तीन बटेवा आठ हो जाता है, तदनुसार ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बतानी है किसी राशि का, छः से एक बटेवा चार वर्षों का ब्याज किसी राशि पर छः से एक बटेवा चार वर्षों बाद का साधारण ब्याज राशि का तीन बटेवा आठ हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सॉल्व करें। यस सर, देखो आपके स्क्रीन पर जैसे क्वेश्चन आया, फिर या तो मैं फिर स्क्रीन बड़ी करूंगा, तो आप जो जो चीज़ दे रखी है तो कॉपी में आप ले करके नोट कर लेना कि समय तो इतना देर का है, दर इतनी देर की है, और ब्याज जो दिन दे रहा वो आप पहले शॉर्ट में नोट कर लेना, क्योंकि मैं बाद में स्क्रीन बड़ी करता हूँ, तो यूँ ना हो जाए कि वापस क्वेश्चन आए तो मैं सोल्व करूँ, वापस क्वेश्चन आए तो सोल्व करूँ, है ना। और जैसे जैसे मैं सोल्व करता हूँ, यदि नहीं आया है, नहीं आया तो मैं जैसे जैसे सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी कॉपी में सोल्व करोगे। मैथ्स हमेशा ये कहती है कि मैथ्स केवल देखने से ही नहीं पढ़ी जाती है, अपने को स्वयं को भी हल करना पड़ता है। चले राजू जी, मैना जी आए, गुड नोन सर, वेरी गुड नोन। छः ऑप्शन आ रहा है, छः परसेंट आ रहा है डी ऑप्शन। सर ये बताओ, चलिए समझाता हूँ। तो किसी राशि पर छः से एक बटेवा चार वर्ष, छः से एक बटेवा चार का हो जाएगा पच्चीस बटेवा चार वर्ष हो गए,
यस सर, 25/4 वर्ष हो गए। साधारण ब्याज जो है उस राशि का 3/8 है। मूलधन हो गया 8 रुपये, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 3 रुपये। दर बतानी है तो ब्याज इंटू 100/ मूलधन हो गया 8, और समय कितना है? 25/4 है, तो ये 4 आपके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये काट लीजिए, 2, 4, 2, 6% आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा? यस सर, आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लगा देता हूं, तब तक जिनको समझ में नहीं आया वो वापस इसको देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन हो गया अपने, अब है सातवां क्वेश्चन, ये लीजिए जी। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर उसका समय वर्षों में एक समान है तो ब्याज की दर कितनी होगी? कल भी अपन ने सोल्व कर लिया था, ये तो इसका तो आंसर सभी को आ जाना चाहिए। कल भी सोल्व कर लिया था ये क्वेश्चन, तो देखिए किसके किसके आंसर आते हैं। सबसे पहले आंसर कौन बताता है? देखिए वाई यानी कड़ी अगले साथ भेजो मैं 2000। देखो आज इतना 8% आए हैं गुनगुन जी के, 8% आए हैं। ऑप्शन सी, बिल्कुल सी सही है। चलिए, उस राशि का जो ब्याज ही है, ब्याज उस राशि का 16/25 है, तो यहां पर आप जो मिश्रधन है, मिश्रधन 25 रुपया ले लो, तो ब्याज हो जाएगा आपका 16 रुपया। ब्याज हो गया 16 रुपया। मूलधन ले लिया 25, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये तो समान ही दे रखा है, ये तो समान ही है। बटेवा 100 बराबर ब्याज कितना हो गया? 16। एक्स स्क्वायर बराबर, ये काट दे अपन, 4, 16 चौक 64। एक्स का मान कितना आ गया? तो सर एक्स का मान तो 8 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन देखिए, देखिए चलो सोल्व करो। देखिए आठवां क्वेश्चन, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, ये तो भी अपन ने कर ही लिया था, 1 से 1/3%, इसमें भी आंसर आपके सभी के आ ही गया है। लीजिए आप, जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर दे रखा हो, ये नया टाइप अपन शुरू करते हैं। जब दो अलग अलग मूलधन का ब्याज दे रखा हो या पहले आपको अंतर दे रखा हो, उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों में प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 रुपये है, तो दरों का अंतर कितना होगा? यही चीज है,
पहले अपन इसको बेसिक से समझते हैं कि चाय भी आ गई थी तो चाय भी पी लेता हूँ, फिर आपको बेसिक से समझाता हूँ। क्योंकि अभी इससे पहले जो क्वेश्चन अपन ने किए थे वो टाइप तो मैं आपको समझा रखा था, पहले वो टाइप तो मैं आपको समझा रखा था, और ये टाइप वाला जो आप समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। चलो देखो, मैं आपको एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप उसको सॉल्व करो। हाँ, इसको मैं पहले आप समझाऊंगा, हो जाता है बेसिक से। चले जी, समझाते हैं। इन्हें मत लाजो, इन्हें मत लाजो। क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं, मूलधन ले लीजिए 2000 रुपये, 2000 रुपये मूलधन है, और आपको थोड़ा इंक ले आना सर। मैं दर दे रहा हूं, दर आपको दे रहा हूं एक तो 10%, और एक दे रहा हूं मैं आपको 15%। समय दे रहा हूं 3 वर्ष, और इसका भी 3 वर्ष। बताएगा देखिए, दोनों का जो ब्याज मिलेगा, ब्याज का अंतर कितना आएगा, निकालिए देखिए अंतर। ब्याज का अंतर निकालो देखिए, फिर मैं बेसिक से समझाऊं आपको कि कैसे इसका अपन बिना इतना लंबा किए आप निकाल देंगे। इसमें कर दें ये तो, चलो ब्याज का अंतर निकालो देखिए। ₹150 आ रहा। देखो इसका अपन जो निकालेंगे, इसका ब्याज निकाला, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे वा 100, तो ये आ गया सर, इसका आ गया आपके ₹600। इसका आपको ₹600 आ गया, और इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे वा 100, तो 15 × 30, 15 × 45, 15 × 30 और 30 × 3 900 आ रहा। तो दोनों के ब्याज का अंतर कितना आ रहा सर, तो ब्याज का अंतर आ रहा ₹300 का। ये था अपने बेसिक तरीके से। चलिए जी, हाँ जी, आगे सॉल्व करें। अब मैं इसको इस तरीके से निकालता, मूलधन तो अपने पास 2000 है, जो 2000 का 2000 ही है, इसका भी 2000 है, ये भी 2000 है, समय दोनों का सेम ही है, ये भी 3 वर्ष है, और ये भी यहाँ पर आपको 3 वर्ष है। अब यहाँ पर जो दर दी है, दर अलग अलग दी थी, 10% और 15%, 10% और 15%, यानी दर का अंतर कितना दे रखा है, 5% का अंतर है, दर का 5% का अंतर है, तो ब्याज भी जितना 5% का ब्याज होगा उतना अंतर आ जाएगा। तो अब मैं क्या अलग अलग नहीं निकालूंगा, मैं एक ही तरीके से निकाल लेता हूं, मतलब एक ही फॉर्मूले से निकाल लूं, ये निकाल के फिर नहीं घटाऊं। मूलधन हो गया 2000, मूलधन इंटू समय कितना 3 वर्ष, और दर का, ब्याज का अंतर पूछ रहा है ना, तो दर का अंतर ले लो 5% है, ये बटे वा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 × 6, 6 × 5 = 30,
और ये आपका आंसर आ गया कि जो ब्याज का अंतर होगा वो कितना रहेगा, 300 रुपये रहेगा। मैंने 1000 कर दिया था, कोई बात नहीं। तो अब इसको ही मैं यदि आपको इस प्रकार से दे देता, कैसे देता कि क्वेश्चन आपको मैं देता कि 2000 रुपये को 3 वर्ष के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार दिया जाता है, दो अलग अलग व्यक्तियों को उधार दिया जाता है 3 वर्ष के लिए, दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 300 रुपये है, तो बताओ दोनों द्वारा दी गई जो दर है, ब्याज की दर, उसका अंतर कितना होगा। तो ब्याज आपको 300 रुपये दे दिया, ब्याज इंटू 100 और मूलधन कितना है 2000, समय कितना 3 वर्ष, 2 0 से 2 0 और ये हो जाएगा 100, 100 में 20 का भाग देंगे तो 5%, दर का अंतर कितना आ जाएगा 5%। जितना ब्याज का अंतर होगा उतना ही आपके दर का अंतर हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आप देखो, जो भी अभी देख रहे हैं, कौन कौन जो लाइव देख रहे हैं वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, ताकि जो आजकल थोड़ा सा कुछ जुड़े हुए हैं, जिनका और कोई काम नहीं है, जिनके क्लासों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ यह है कि मेरे जो ही स्ट्रीम आई और उसको डिसलाइक करके जाना होता है, कि लोगों को बताना है कि जो कार्य कर रहे हैं इनको नहीं करने दे। चले, जो उनका क्रम है वो करेंगे, जिनकी जो सोच है वो करेंगे। आप लोग, आप यदि लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, इसका आंसर निकालिए आप। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आया था, 500 रुपये का 2 वर्षों के दो भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 रुपये है, तदनुसार उनकी ब्याज की दरों का अंतर कितना होगा, आप बताइएगा। देखिए आंसर, इसका आंसर, ऐसे लोग तो पीछे ही रहेंगे, वो तो आगे आए कब है, जो पीछे रहेंगे पीछे ही रहेंगे। देखिए, जो भी कोई व्यक्ति साहस करता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो ऐसे क्या शब्द यूज करें उनके लिए, करने दो उनकी जो सोच है। अभी कमेंट में बताइए, 25 आंसर आ रहा है, और पहले बताए थे सुनीता जी ने 0.25, देखते देखे कौन सा सही निकलता है, 0.25 सही आएगा आंसर। तो सॉल्व करें, सॉल्व कर लेते हैं, डी ऑप्शन आ रहा 0.5, नहीं वो नहीं आएगा, 0.25 आएगा। देखो ब्याज का अंतर कितना दिया आपको, तो सर ब्याज का जो अंतर दिया हमें, ब्याज का अंतर जो दे रखा था वो अपने को दिया था 2.50, 2.5 रुपया ब्याज का अंतर दे रखा। ब्याज इंटू 100 बटेवा मूलधन कितना है 500, और समय कितना देर का है 2 वर्ष है सर। पॉइंट हटाइए, 2 0 यहां से काट दीजिए, ये 0 से 0, 5 से काटो या 0.10 हो, ये यहां 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, भाग दे दीजिए, है ना। अब आप जैसे भाग दोगे तो, अब मैं तो भाग दे दूंगा आगे जो आ रहा है,
आप ये लिख देंगे 2.5 तो ऊपर आ जाएगा, बटे हुआ 10 आ जाएगा, तो 0.25 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में दिक्कत यह रहती है कि पॉइंट वाले में 2.25 भी दे देता है, 2.5 भी दे देता है, 25 भी दे देता है और 250 भी दे देता है। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे सर? तो एक चीज़ ध्यान रखना, यदि गुणा भाग में आपसे मिस्टेक रह रही है कि अब भी ऊपर तो आ रहा 5 आ रहा है और यहाँ पर अपना 20 आ रहा है, दशमलव वाले में हालांकि और अपन पढ़ेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा, फिर भी ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी संख्या यदि कोई भी भिन्न दे दे और उसको यदि दशमलव में अपने को बदलनी है तो हर में आपको 10 के गुणज में लाना है कि 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए। तो मैं इसको 5 से गुणा करूँगा, 5 से गुणा किया तो ऊपर कितना आ गया 25 और यह आ गया 100, तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। देखिए हाँ, ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 88 की जगह 8 पढ़े आप, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई, उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक ब्याज पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद 260 रुपये का लाभ मिला तो मूल राशि कितनी थी? मूल राशि कितनी थी ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करें, 88 की जगह पर 8% पढ़ा जाए आप। देखो प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से लाया और जैसे मान लिया कि जितना रुपया लाया अब वो उनको जो देना है कितना ब्याज देना है सर? 8% का देना है। और जैसे मैं पैसा लाया और वो पैसा दूसरा व्यक्ति को दे दिया, मैं जिसको ब्याज पर दे रहा हूँ वो मुझे 12% देगा और मुझे कितना देना है? 8% देना। तो मेरे पास जो ब्याज बचेगा कितना परसेंट बचेगा? 4%, और 4% किसके बराबर है? 960 के बराबर है। तो मूलधन ले लेते हैं, मूलधन ज्ञात करना, मूलधन बराबर ब्याज कितना है? 960, ब्याज हो गया 960, ब्याज इंटू 100 और दर कितनी देर की है? दर हो जाएगी अपने 4%, समय हो गया 12 वर्ष, समय हो गया 12, 12 अंटी 96, 80 और ये हो जाएगा 20, 20 इंटू 100 यानी 2000 रुपये। तो अपना आंसर जो आएगा क्या आएगा? 2000 रुपये। चलिए सबके आंसर आ गया था, चल बहुत अच्छी बात है, स्क्रीन बड़ी नहीं की थी, समझ में आ गया सभी के वैसे हालांकि, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बराबर राशियों क्रमशः 2% और 3% के लिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली। यदि ब्याज का अंतर 56 रुपये रहा तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। बताओ देखिए अगले का आंसर, मैना जी के सी ऑप्शन आया था पहले वाले में। चलिए मैना जी आपके आंसर आ गया था, इस वाले का बताइएगा। देखिए ये भी वैसे ही है, किसका आंसर आता? देखिए सबसे पहले
अभी तक आंसर नहीं आया, क्या बात हुई? दो बराबर राशियां सुनीता जी के आए 700 रुपये, 30 चलिए कौन सा नंबर है, 11वां। गुनगुन जी के 800 रुपये आए, और किसी का आया बी ऑप्शन, बी में क्या आ रहा 700, तो 700 सही आएगा, 700 ही आंसर है, 700 सही है। बताइए किसी को समझना है, अब ये तो नहीं समझना है, नहीं सर। चलिए अगला देख लेते हैं, हाँ 700 है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का जो आंसर देखते हैं अपन, आप बताओगे आंसर, क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं नेक्स्ट। ये लो जी, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के दो ऋण लिए, बी ने 14% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर ब्याज लिया और सी ने 15% प्रतिवर्ष ब्याज लिया, ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपये था, तो ए ने लिए थे सी से 800, सी से 625, बी से 400 और बी से 800। बताओ देखिए इसका आंसर बताइए, आंसर नहीं आया अभी किसी के। बताओ सर जी, चलिए समझिए, समझाओ। बी से 800 बता रहे हैं, तो ए ने बी से 800 रुपये लिए, बिल्कुल सही है। देखो ए का अपन एक्स ले लेते, टोटल लिए थे 1200 रुपये, एक का एक्स हो गया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 1200 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तरीका भी देख लेते हैं, यदि इससे आंसर नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा, तो दूसरा टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसका ब्याज लिख लीजिए, तो इसका ब्याज हो जाएगा कि बी और सी से, ए ने बी और सी दो आदमी से ले रहा पैसा, टोटल कितना पैसा ले रहा है सर, 1200 रुपये ले रहे हैं, ए लेने वाला है और किन किन से ले रहा है, बी और सी से ले रहा है, दोनों से टोटल कितना ले रहा है, 1200 ले रहा है। यह नहीं बताया कि बी से इतना लिया और सी से इतना लिया, यह नहीं दे रखा आपको, तो यहाँ पर मैं ले लिया, लिखा कि बी से एक्स लिया और सी से 1200 माइनस एक्स लिया। पहले यह तरीका मैं समझा देता हूँ, फिर दूसरा तरीका भी आपको समझाऊंगा। लो जी इसका ब्याज निकालो, बी कितने परसेंट की दर से ले रहा है, बी सर 14% की दर से ले रहा है, कितने वर्ष का, एक वर्ष ही है, एक वर्ष है, बटे वा 100,
और इधर 1200 माइनस एक्स। सी कितने दर से, किस परसेंट से ले रहा है ब्याज, 15% से, बटेवा 100। और टोटल कितने रुपए ब्याज बना, 172 रुपया ब्याज बन गया सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? ये हो गया 14x/100 और ये हो गया आपके 15 × 12 180 और 20 माइनस 15x, अलग अलग कर दो इनको, बटेवा 100 कर देता हूँ, यहाँ पर भी बटेवा 100 कर देता हूँ, अलग अलग कर दिया, बराबर यहाँ पर 172 कर दिया, 20 कट गए, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, माइनस का एक्स बटे व 100 बराबर 172 में से 180 गए तो माइनस के 8, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर आ गया सर 800। एक्स किसका माना था, एक्स सर बी का माना था, तो बी से कितने रुपए लिए सर, 800 रुपए लिए। देखो देखो समझ में आया, हाँ समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। वापस बताओ सर, वापस समझ लीजिए। देखो ए टोटल कितना ले रहा है, बी से भी ले रहा है और सी से भी ले रहा है, बी ए लेने वाला ए है, ये दो व्यक्तियों से ले रहा है, बी से और सी से, कितने टोटल 1200। अब अपने को पता नहीं है कि ए से कितना, बी से कितना लिया और सी से कितना लिया, कि लिया टोटल जरूर 1200 रुपए ले लिया है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर माना कि B से कितने रुपए लिए, तो B से X रुपए लिया, 800 रुपए ब्याज लिया क्या, अरे 800 ब्याज नहीं, मूलधन है 800 रुपए मूलधन है। वापस समझो, मैं आपको इसको जो लंबा नहीं बनाना चाह रहा था, शॉर्टकट में मतलब याद भी रह जाए जैसे और आंसर भी जल्दी आ जाए, वैसे आपको ले गया था। देखो ए लेने वाला है, ए को दिया था, बी भी दिया था और सी भी दे रहा है, दो व्यक्ति इनको पैसे दे रहे हैं ए को, दोनों बी और सी ने कितने रुपए दिए, इन दोनों ने मिलकर के 1200 रुपए दिए थे, किसको दिए, ए को दिए, बी ने कितने दिए कोई पता नहीं, सी ने कितने दिए ये भी नहीं पता, जरूर बी और सी ने दोनों ने मिलकर 1200 रुपए दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया था आपको, बी कितने परसेंट की दर से ब्याज ले रहा है, 14% की दर से ब्याज ले रहा है, और सी कितने परसेंट की दर से ब्याज ले रहा है, 15% की दर से ले रहा है, और ए टोटल दोनों को जो ब्याज दे रहा है, दोनों को जो ब्याज दे रहा है वो कितना दे रहा है, 172 रुपये ब्याज दे रहा सर, ठीक है। आगे बढ़े अब, तो मैंने इसको एक्स ले लिया, तो इसका हो जाएगा 1200 माइनस एक्स, ये मूलधन हो गया, कि बी से एक्स रुपया लेकर के आया तो सी से 1200 माइनस एक्स लेकर के आया। अब ये 14% एक वर्ष प्लस इसका हो जाएगा 15% एक वर्ष, और दोनों का ब्याज कितना हो गया, दोनों का ब्याज सर 172 रुपया हो गया। अच्छा अब समझ में आ गया, ठीक है। देखो 14x/100 हो जाएगा, मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, तो 15 एकम 15, अब ये यहाँ पर भी गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा होगा,
सर हमें तो ऐसे घुणा आता नहीं है या ऐसे समझ में नहीं आता, तो भाई यहाँ छोड़ देंगे तो कहीं दूसरी जगह तो काम में लेना ही पड़ेगा, इस चीज़ को सीखनी तो पड़ेगी। गणित में जहाँ भी कोई समीकरण आ रही है आपको कहते हैं कि आप इसको छोड़ दो, इस मेथड से कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है उनकी, लेकिन सीखनी सबको चाहिए कि वो चीज़ कहीं ना कहीं तो दूसरी जगह वापस काम में आएगी आएगी। तो ध्यान रखना जहाँ भी ब्रैकेट आ जाए और उसमें प्लस या माइनस हो तो बाहर की जो गुणा वाली संख्या है इससे भी गुणा होगी और इससे भी गुणा होगी। तो ये गुणा कर लिया मैंने, कितना हो गया 180, तो ये 15 इंटू 12 दो जीरो माइनस के 15x बटेवा 100 लिख दिया, बराबर यहाँ पर लिख दिया मैंने 172। अब देख लो भाई, या तो आप इन दोनों को अलग अलग, अभी सातवीं 100 है, अब सातवीं 100 है तो आप अलग अलग कर दो। जैसे मैं लिखता कि a बटे व 5 प्लस या माइनस, लिख दो माइनस b बटे व 5, इसका मान क्या होता तो बताते सर a माइनस b बटे व 5 होता, यही लिखते। अर्थ में वापस इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना सर, a बटे व 5 लिख दो और b बटे व 5 लिख दो, तो वही चीज़ में यहाँ पे किए। नहीं तो आप लघुतम लो, फिर 100 इधर जाएगा उससे गुणा होगा 17,200 बनेगा, वो उधर माइनस करेंगे 17,200 में से 18,000 माइनस करेंगे, इधर 14 या एक्स, फिर इतनी रामायण रहेगी। नहीं तो अपन सीधा ही कर लेते हैं कि इसके नीचे भी 100 लिख देता हूँ और इसके नीचे भी 100 लिख देता हूँ, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल सर, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 14x बटे व 100 माइनस 15x बटे व 100, तो x बटे व 100 बचेगा, इधर प्लस का है 180 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 172 में से 180 घटाएंगे माइनस 8, ये माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 800 आ गया। x क्या माना था, तो x माना था सर b के द्वारा जो ली गई राशि, तो b से कितने रुपए उधार लिए 800 रुपए और c से कितने लिए तो बताएंगे 400 रुपए। आप समझ में आया, समझ में आ गया कि या दूसरा तरीका से और समझना जी बताएगा। देखिए जय सिंह जी, बंद हो गई, चार्ज लगा दो। चलिए आ गया समझ में, गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है, जब पाता है कि ब्याज की दर 4% से घट करके 3.75% हो जाए पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी, तो उसकी पूंजी कितनी होगी।
हाँ जी सॉल्व करना है। क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या स्क्रीन पे? एक सेकेंड, समझना है क्या किसी को? या आंसर आने में? चलिए समझा देता हूँ थोड़ा। टप भी, टप तो क्या है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी इसकी लैंग्वेज में। ओके ओके, अब आ जाएगी आवाज़, अब आ जाएगी आवाज़, आ जाएगी आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। हाँ देखिए, आपको जो दिया था चार पैसा प्रति रुपया टैक्स देता है, यानी एक रुपया का टैक्स कितना देना है? एक रुपया का टैक्स देना है 4 पैसे। तो बताओ 100 रुपया का कितना देंगे? 100 रुपया का देंगे सर 400 पैसे। 400 पैसे मतलब हो गया 4%। 4% उनको टैक्स देना है, 4% टैक्स देना है। तो टैक्स तो हो गया सर 4% देना, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट है। अब बताओ मुझे, जो आदमी 100 रुपये, मान लिया 1000 रुपये कमा करके लाया, 1000 तो अपन ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति 1 लाख रुपये की आय हुई, 1 लाख रुपये की आय हुई, अब वो जो ब्याज पर दे रहा है, तो ब्याज पे तो बाद में देगा, पहले जो इनका टैक्स रहेगा कि 4% टैक्स है माना कि, इसका 4% निकालना पड़ेगा। 4% कितना आ गया? 4000 तो टैक्स के देगा वो, फिर बचेगा 96,000, ये उनको ब्याज पर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैं जो 4% टैक्स वाला है, 4% टैक्स वाले का काम बाद में लेता हूँ, ये 4% टैक्स देना है जी, ये नॉलेज में रखना। अभी अब देखो, वो आदमी 4% की दर से ब्याज पर दे रहा है, एक तो 4% टैक्स दे रहा है जो लाइन अलग थी, अब कह रहा है कि वो आदमी 4% की दर से ब्याज पर दे रहा है। यदि 4% ब्याज पर नहीं देता और 3.75% की दर पर ब्याज पर देता, तो उनकी जो ब्याज है, ब्याज कितने रुपए का फर्क पड़ जाता, अंतर पड़ता? 48 रुपए का अंतर होता। तो 48 रुपए का अपन क्या करते हैं, 48 रुपए जो ब्याज का अंतर आ रहा है, यहां से मूलधन निकालते हैं कि एक मूलधन को 4% की दर पर ब्याज पर दिया जा रहा है और उसे 3.75 रुपए ब्याज दर पर दिया जाता, तो 48 रुपए का अंतर होता। तो दर में कितना अंतर है? 0.25 का अंतर है। पहले मूलधन निकाल लेते हैं, मूलधन हो जाएगा ब्याज इंटू 100, दर का कितना अंतर है? तो सर ये दर में यहाँ पर अंतर है 0.25 और
समय, समय कितना दे रखा था आपको? वार्षिक आय दे रखी है 1 वर्ष। पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर यहां पर 100 लग जाएगा, ये 4 4 8 4 8 32 के 2 और 3। हाँ भाई, ₹19,200 जो आए, ये ₹19,200 तो क्या आया? ये तो अभी आया कि ये ब्याज पर दिया गया था। यदि आपसे पूछ लेते कि ब्याज पर कितने रुपए दिए, तो बताते सर ब्याज पे ₹19,200 दिए। अरे 19,200 तो 4% टैक्स देने के बाद के हैं, 4% टैक्स देने के बाद ₹19,200 बचे थे और ब्याज पे दे दिया। तो भाई उसकी पूंजी कितनी थी? अब अपन यहाँ टैक्स वाली बात करते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा? यस सर, क्लियर है यहाँ तक तो। अब जो आपको पूंजी बतानी है, माना कि उसकी पूंजी थी X%, 4% टैक्स दे दिया, बचा कितना? 96%। ये 96% किसके बराबर है? 19,200 के बराबर है। ये 19 दिख रहा है इधर? यस सर। बस एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना? 12 आप आंसर निकाल के बता दीजिए, देखिए कितने आते हैं। ये 96 का भाग देना है, 12 96, और इधर काटे तो 12 1 12 बच गए 7, 72 ये बचे 2, तो आपका आंसर आएगा ₹20,000। 20,000 रुपये आंसर आ रहा है, समझ में आया? बताओ भाई समझ में आया? 20,000 रुपये आंसर होगा इसका। हाँ 20,000, गुनगुन जी, मैना जी 20,000। चले आ गया समझ में? ये आया तो आप देख लेना कि यहाँ तक तो अपन जो पहले क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसे निकाल दिया मूलधन, और ये किस, ये जो राशि है 19,200, ये राशि आपकी 4% टैक्स देने के बाद की है। तो आप टैक्स देने से पहले जो राशि कितनी थी तो बता देंगे 20,000। चलिए आ गया समझ में? नहीं आया पारस कटारिया जी। तो देखिए आप पारस कटारिया जी, पहले वाले जो इसको जो अपन बताते आ रहे थे बेसिक चीज, ये उस समय आप नहीं थे, तो ये चीज आप पहले उसको समझेंगे। तो इस क्लास खत्म होने के बाद आप वापस शुरू से जब आप देखोगे कि मैंने जब ब्याज का या दर का अंतर दे रखा होगा, तो फिर किस टाइप से निकालना होगा मूलधन, उस प्रकार से निकालेंगे। चले तो आप पिछले वाले क्वेश्चन है वो देखोगे, फिर आसानी से आपको आ जाएगा। हाँ अब नया पैटर्न मैं चालू करने जा रहा हूं, नया पैटर्न आप समझेंगे। तो देखो अब नया पैटर्न जो आ रहा है कि आपको 2 वर्षों का दो समय दे रखा होगा और दोनों समय का मिश्र धन दे रखा होगा। केवल समय दे रखा होगा और मिश्र धन दे रखा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा होगा। फिर आपसे मूलधन भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है, और आपको दूसरा समय का मिश्र धन भी पूछ सकता है। जैसे तो पारस जी क्या नाम देखा था, ये वाला टाइप में जो अब समझाना जा रहा हूं उसको आप समझिए। फिर आप ये वाले क्वेश्चन जो अब आगे वाले क्वेश्चन आएंगे उनको भी आसानी से समझ लोगे। चलिए ये वाला जो टाइप बता रहा हूं इसको समझिए। देखो 3 वर्ष मैंने लिखा, कोई धन 3 वर्ष में 6,000 रुपये, और 5 वर्ष में कोई धन
साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 5 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाता है। कोई धन, वापस बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कोई धन 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 5 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन लिखना यहाँ पे, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, दूसरा मूलधन ज्ञात करो, और तीसरा क्वेश्चन है तो वह धन 7 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, 7 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूं, आप आराम से ध्यान से इसको समझिए। हाँ, पारस जी कह रहे हैं सर ये क्लास रोजाना इसी टाइम लगती है क्या? हाँ, 3 बजे मैथ्स का टाइम है, 3 बजे मैथ्स की क्लास लगती है, 3 से 4:30 बजे तक रहती है। चल अब हाँ मैं समझा रहा हूँ इसको, आप समझिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, साधारण ब्याज, मैं चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ाऊंगा उस समय भी आपको वापस बताऊंगा, साधारण जो ब्याज है एक साल का जो ब्याज बढ़ गया वो उसी दर से बढ़ता जाता है, यानी साधारण ब्याज प्रति वर्ष समांतर श्रेणी में बढ़ता जाता है। यूं ले लीजिए कि एक वर्ष का ब्याज यदि आपको बता दे कि 300 रुपये है, कि एक साल का ब्याज 300 रुपये है, तो 2 साल का कितना होगा? तो आप बता दोगे सर 2 साल का 600 रुपये होंगे, कि एक साल का 300 तो एक साल और बढ़ेगा, 300 और बढ़ जाएगा, 600 रुपये होंगे। अब 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 साल का 900 रुपये होगा। अब मैं कहूँगा तो बताओ 5 वर्ष का कितना होगा? तो आप कहोगे 5 वर्ष का सर 1500 रुपये होगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। मैं इसलिए बताया कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान दर से बढ़ता है। अब मैं आपको यूँ बोलूँ कि आपको यूँ कहूँ कि किसी धन का 3 वर्ष का ब्याज यदि 900 रुपये है तो बताओ 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे 3 साल का 900 रुपये है तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 300, तो 5 साल का हो जाएगा 1500। यहाँ तक क्लियर? यस सर क्लियर। अब इसको देखिए, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 6,000, यानी मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज। 6,000 रुपये में क्या क्या शामिल है? मूलधन और 3 साल का ब्याज है। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर है सर मूलधन और 3 साल का ब्याज प्लस 2 साल का ब्याज, है ना, 5 साल है, तो 5 साल को मैंने क्या कर दिया कि मूलधन तो इसमें भी है, 3 साल का ब्याज भी है, और साथ में 2 साल का ब्याज और जुड़ गया है। अब 2 साल कहाँ से आया? ये 2 साल यहाँ से आया, 3 वर्ष से 5 वर्ष हो रहा है ना। तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 2 साल का ब्याज होगा 1,000 रुपये। 2 साल का ब्याज हो गया 1,000 रुपये। अब यहां से आप 3 साल का भी निकाल सकते हैं और 5 साल का भी निकाल सकते हैं। 2 साल का ब्याज 1,000 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज था तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 500 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा सर, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, 3 साल का ब्याज 1500 रुपये। तो अब देखो 3 वर्ष का मिश्रधन 6,000 रुपये है
और 3 साल का ब्याज कितना है? 1500 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो 6000 में से 1500 रुपये घटा लेते हैं, 4500 रुपये। मूलधन कितना आ गया? 4500। आप इससे भी निकाल सकते थे कि 1 साल का ब्याज 500 रुपये है, तो 5 वर्ष का कितना होगा? 2500 रुपये होगा। तो 7000 में से आप 2500 माइनस करते तो आपके ये 4500 रुपये आ जाते। भले इससे निकालो, भले इससे निकालो, दोनों से निकाल सकते हैं। तो मूलधन तो आ गया 4500, इनको मिटा दूं मैं। यस सर, ये जो 2 वर्ष का ब्याज कहाँ से निकाला? ये 2 साल का अंतर दे रखा, और इधर अंतर किया, ये अपना 2 साल का आ गया, जितने वर्ष का अंतर होगा, और यहाँ जो मिश्रधन में अंतर होगा वो अपना ब्याज आ जाएगा। ठीक है सर, मूलधन आ गया 4500, ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपके पास। आप दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? कि ब्याज इंटू 100 बटे वा मूलधन इंटू समय। ब्याज क्या रखे? ब्याज काफी सारे निकाले थे, आपकी इच्छा हो जो रखो, भले तो आप 3 साल का रखो, भले 1 साल का रखो, भले 5 साल का रखो। ध्यान ये रखना, जितना आप ब्याज लिखते हो समय उसके अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1500 रुपये लिख देता हूँ। ब्याज कितना? 1500। ब्याज इंटू 100, मूलधन आ गया 4500 इंटू समय। समय कितना था? समय 3 वर्ष था, 1500 रुपये 3 साल का ब्याज था, ये 3 लिख दिया। 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया आपके 500। 5 से और काट देते हैं, 5 से काटे 100 और 5 से काटे 9, तो ये हो गया 11 से ही 1/9%। तो दर कितनी आ जाएगी? 11 से 1/9। चलिए, 1 साल का कैसे निकाला ब्याज? 1 साल का ब्याज कैसे निकाला? यहाँ पर 2 साल का था, 2 साल का ब्याज कितना दे रखा है? कि 2 साल का जो ब्याज है, 2 साल का ब्याज 1000 रुपये, 2 साल का ब्याज 1000 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1000 में 2 का भाग दे दिया, 500 रुपये, ऐसे निकाला था। हाँ, आगे और कौन सा था? इसको मिटा देता हूँ, कि ज़्यादा जो नहीं चाहिए उन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, तो आपको भी साफ नज़र आए और सही समझ में भी आ जाए। यहाँ पर 11 से 1/9% था। तो बताओ वह धन 7 वर्ष में कितना हो जाएगा? 7 साल में कितना हो जाएगा? जी मूलधन कितना था? मूलधन सर 4500 अभी तो निकाला था ये। 7 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का कितना था? 500। तो 7 का कितना होगा? 7×5 35, 3500 रुपये हो जाएगा ब्याज। ब्याज तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन हो जाएगा सर 5, इसको दे दो 40 40 80, 8000 रुपये हो जाएगा। आप बताओ देखे किसके समझ में नहीं आया? जिसके समझ में नहीं आया अभी पूछ लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको जल्दी से उसके आंसर बताने। फिर सभी के समझ में आ गया होगा? सारे 2 घंटे वैसे सर ब्याज के लिए इतने, सर ब्याज के लिए ऐसे अंतर क्यों किया? अभी ये बताया ना कि 3 वर्ष का जो मिश्रधन है, 3 वर्ष के मिश्रधन में मूलधन और ब्याज देर का,
एक बार वापस बताएं। चलो वापस समझ लीजिए। देखो आपको क्या करना, समय का अंतर करना कि समय समय में कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, और इधर मिश्र धन का अंतर करना, वो उतने सालों का ब्याज आ जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 2 साल का ब्याज 1000 रुपये हो गया। 2 साल का ब्याज 1000 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 500, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा 1500 रुपये। तो ये 6000 में से अपन 1500 घटा देंगे तो 4500 क्या हो जाएगा, 4500 अपना मूलधन आ जाएगा। चलिए देखो अब ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सोल्व करना, और कल मैं आऊँगा वापस 3 बजे, तब इनका आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब अगली क्लास का भी टाइम हो गया है, तब तक आप घर पे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, और कल जब मैं जब भी आऊँ 3 बजे, तो आप इनके आंसर मुझे बताना है। लिखिए पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 से ही 1/2 वर्ष लिखना है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक रह गई है। साधारण ब्याज पर 2 से ही 1/2 वर्षों में 1012 रुपये और 4 वर्षों में 1067.20 रुपये हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर याद करो। और अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक धनराशि किस वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये और 8 वर्षों में 12600 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर याद करो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करके लाना है। बाकी आप मिलेंगे अपन जो अगली जो क्लास है, जिनको अगली क्लास में जो मिलना है तो उसमें मिलेंगे, नहीं तो फिर कल मिलेंगे। तब तक सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और सब्सक्राइब के लिए अपने मित्रों को आप बताइएगा। थैंक यू।